सब, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है माही और मेरी यूट्यूब चैनल कुकिंग लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम घर पे ही जमाने वाले हैं हलवाई के स्टाइल में दही, वो भी एक नई ट्रिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें नहीं करते और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं लो। लो फ्लेम करने के बाद हमें दूध को कम से कम 5 मिनट के लिए और पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं और हमारा दूध, ये देखिए आप, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने ये हॉटकेस लिया है, आप कोई भी मिट्टी का बर्तन या फिर एक एयर टाइट डब्बा भी ले सकते हैं, उसमें भी आप दही जमा सकते हैं। ये देखिए, ये हमने दूध को अलग निकाल लिया है। अब हमें चेक करना है अपने दूध को। दूध को हम कैसे चेक करेंगे, हमें ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना है। हमें इस तरीके से दूध चाहिए कि हम अगर उसमें अपनी फिंगर डिप करते हैं तो हमारी जो फिंगर है उसका टेम्परेचर सहन कर सके। हमें इतना गर्म दूध चाहिए। सबसे पहले हमें एक मिक्सर ले लेना है और मिक्सर से हमें इसको बहुत ही अच्छे से चलाते हुए इसके ऊपर झाग लाना है। ये देखिए, दूध में झाग आ चुका है। अब हम अपने दूध में, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम एक नई ट्रिक के साथ दही जमाएंगे, तो वो है ये हमने हरी मिर्च के जो डंठल होते हैं नीचे के, उन डंठल को तोड़ लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इसको दूध में डाल देते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें अपनी 1 चम्मच दही। ये मैंने घर की जमी हुई फ्रेश दही ली है। चीज का आप खास ध्यान रखिए, जो भी आप दही ले रहे हैं वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा पतला दही लिया है तो उससे क्या होता है कि हमारी दही के ऊपर आपने देखा होगा पानी आ जाता है, पानी अलग छोड़ जाता है हमारा दही, तो वो नहीं होगा। अगर आप घर का फ्रेश दही लेते हैं, अगर नहीं है आपके पास घर का दही तो आप मार्केट से भी दही लेकर इसको जमा सकते हैं। और हमें एक मिक्सर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। हमें इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ऊपर अच्छे से झाग ना आ जाए। ये मैंने एक टॉवल ले लिया है, टॉवल की मदद से हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आप इसको किसी भी हैवी बर्तन से या प्लेट से इसको बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आप चाहें तो टॉवल, ब्लैंकेट या कोई भी गर्म कपड़ा आप ले सकते हैं, उससे आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको बिल्कुल भी हमें हिलाना नहीं है, ऐसी जगह पे रखिए कि कोई भी इसको टच ना करे। ये हमने दही को ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। वाओ, देखिए कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है। अब मैं आपको इसको चम्मच की सहायता से निकाल के दिखाती हूँ। आप घर पर ही हलवाई जैसा दही जमा सकते हैं, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। अगर आप जैसे मैंने जमाया है, अगर आप इस तरीके से जमाते हैं दही, तो सर्दी में भी और गर्मी में भी आपका दही एकदम परफेक्ट जमकर तैयार होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुकिंग लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।